स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति। मूल्य वृद्धि का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि कोई भी वस्तु है उसकी कीमत बढ़ जाना क्या कहलाता है? मूल्य वृद्धि। और इस चैप्टर के माध्यम से एज ए हम क्या है, एक ग्राहक है, क्योंकि हम किसी वस्तु को क्या करते, खरीदते, तो ग्राहक होने के नाते हमें क्या क्या जागृति होनी चाहिए, इस बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। भारत की अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में एक समस्या कौन सी है? मूल्य वृद्धि। आपको पता है भारत के अंदर बहुत सारी समस्या, सामाजिक रूप से देखो, आर्थिक रूप से, लेकिन उसमें एक मुख्य समस्या कौन सी है? मूल्य वृद्धि। क्योंकि हम देखते हैं ना, आए दिन क्या होता है, दूध के भाव बढ़ जाते हैं, है ना, सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं, प्याज के भाव बढ़ जाते हैं, तो ये क्या है? मूल्य वृद्धि। ये एक क्या है? समस्या है। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में मूल्य में लगातार और नियमित ऊंची दर से होती हुई वृद्धि को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। लगातार इकोनॉमी क्या हो रही है? हमारी बढ़ती जा रही है, और उस ऊंची दर को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, जो एक समस्यापूर्ण है, जो एक समस्या रूप है, परंतु स्थिरता के साथ होने वाली मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के लिए पोषण रूप होती है। सामान्य रूप से मूल्य बढ़ने से नियोजक उत्पादक को लाभ मिलता है। क्या बोला कि बेटा, जब मूल्य बढ़ता है यानी कि कीमतें बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं नियोजक को और जो प्रोडक्ट है उसको क्या होता है? लाभ मिलता है। नफा रूपी अप्रत्यक्ष लाभ से उन्हें नए उत्पादक साहस शुरू करने का अवसर भी प्रदान होता है। यानी कि अगर मुनाफा होता है, नफा मतलब यहाँ पर मुनाफा यानी कि लाभ होता है, तो वही के वही वो क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट से क्या नए नए साहस शुरू करने के अवसर भी उनको प्रदान होते हैं। किसको? नियोजक को। उत्पादन खर्च होने वाली वृद्धि मूल्य वृद्धि से कम होने से नफा का समांतर बढ़ता है, जिससे उन्हें नया पूंजी निवेश करने के प्रोत्साहन मिलते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, उत्पादन बढ़ते हैं, रोजगार भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होंगे, नए नए क्या मिलेंगे, रोजगार भी प्राप्त होंगे। उत्पादक, आयोजक और व्यापारी अपनी आय बढ़ने से इस बढ़ोतरी में से अपने मजदूरों के वेतन में अतिरिक्त वेतन के रूप में देता है। यानी कि जैसे जैसे देखो, उत्पादक बढ़ेगा, व्यापारी की आय बढ़ेगी यानी कि इनकम बढ़ेगी, तो वही मजदूर जो है यानी कि जो कार्य करने वाले मजदूर है उनका भी क्या होगा, वेतन क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार सबकी आय बढ़ने से खरीदी शक्ति में भी क्या होती है? वृद्धि होती। अगर सब जगह क्या होगी, वृद्धि होगी, तो वही अगर हम कोई मार्केट में कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसकी खरीद शक्ति में भी क्या होती है? वृद्धि होती। अधिक चीज वस्तु के उपयोग करने के पीछे वित्त खर्च करने से उनके जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। आर्थिक विकास की प्रवृत्ति वेगवान बनती है। इससे कह सकते हैं कि स्थिरता के साथ मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास के लिए पूर्ण क्या होती है? एक शर्त है। जब अर्थतंत्र, इकोनॉमिक, अर्थतंत्र का यहाँ पे मतलब क्या है, इकोनॉमी में सभी चीज वस्तु और सेवाओं का मूल्य स्तर लगातार ऊंची दर से उल्लेखनीय रूप से बढ़ता रहता है, तब तत्कालिक चीज वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन नहीं बढ़ता, परंतु मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार अधिक मुद्रा की पूर्ति व मर्यादित वस्तु व मुद्रास्फीति की स्थिति का निर्माण करती है। ऐसी मूल्य वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति की परिस्थिति कहते हैं। मूल्य में होने वाली बड़ी उथल पुथल खर्च आय और उत्पादन के साधनों की कीमत की गणना को, उसके बंटवारे को, मुद्रा की आपूर्ति को अस्त व्यस्त करने के अर्थतंत्र में गंभीर असंतुलन पैदा करती है। कहने का मतलब, कभी कभी क्या होता है बेटा, मार्केट के अंदर क्या होता है, मूल्य कभी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके खर्चे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी आय जो है वो बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पूरे जो अर्थतंत्र वो है एक क्या होता है, एक असंतुलन सा इनबैलेंस हो जाता है। तब मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के आर्थिक विकास में, यस, तो हम पढ़ रहे थे मूल्य वृद्धि के कारण। मूल्य वृद्धि के मुख्य दो परिबलों में है, एक तो अर्थतंत्र में चीज वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन और आपूर्ति में तत्कालिक वृद्धि नहीं हो सकने के कारण। पहला ये कारण ये कह रहा है कि जो चीज वस्तु यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनके सेवाओं के कुल उत्पादन व आपूर्ति में तत्कालिक वृद्धि न हो सकती है, इस वजह से क्या होता है, मूल्य की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसके सामने देश की कुल मांग में तीव्र वृद्धि होने के कारण भी मूल्यों में सतत वृद्धि दिखाई देती है। यानी कि कोई अगर मान लीजिए कि मार्केट के अंदर कुछ चीज है जिससे बहुत ज्यादा उसकी क्या हो बेटा, मांग हो, है ना, तो पब्लिक को ज्यादा अगर वो वस्तु चाहिए और अगर वो इतनी उत्पादन के रूप में ना हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होती है, मूल्य की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि। अर्थतंत्र में वित्त आपूर्ति में तीन तरह से वृद्धि होती है। वित्तीय का मतलब यहाँ पर पैसों से रिलेटेड है कि वित्तीय आपूर्ति के रूप में तीन तरह से वृद्धि होती है। पहली, कमी पूरक द्वारा, अर्थात नई मुद्रा का सर्जन द्वारा।
मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि अर्थात बाजार में मुद्रा की लेन देन बढ़ने से साख विस्तरण की नीति द्वारा ऋण के ब्याज दर घटाकर, ये तीन जो कारण है वित्तीय आपूर्ति की वजह से क्या होती है, मूल्य में वृद्धि हो जाती। अर्थतंत्र में मुद्रा की आपूर्ति बढ़े, लोगों की आय बढ़े, क्रय शक्ति बढ़े, चीज वस्तु व सेवाओं की प्रभावशाली मांग बढ़े, परंतु उसके सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती, जिससे कि क्या हो जाती है, मूल्य वृद्धि हो जाती है। सरकार योजना के व बिन योजना के खर्च पूरे करने के लिए खाद्य पूर्वक नीति द्वारा नई नई मुद्रा का सर्जन करके मुद्रा की पूर्ति बढ़ाते हैं। सरकार के प्रशासनिक खर्च, बिन योजनाकारी खर्चों से, संरक्षण खर्चों से हुई वृद्धि, विविध कल्याणकारी योजना और मेलों, उत्सवों व खर्चों से सार्वजनिक खर्च, निजी खर्च में वृद्धि करके बाजार में मुद्रा की आपूर्ति एकदम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के क्या किए जाते हैं बेटा, कोई ना कोई कार्यक्रम करके भी क्या हो सकते हैं, वहां पर भी क्या हो सकती है, मुद्रा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, जो क्रय शक्ति की बढ़ाती है, जो मूल्य वृद्धि को ऊंचा ले जाती है, यानी कि मूल्य की वृद्धि को क्या करती है, ऊंचा ले जाती है। इस प्रकार क्रय शक्ति में वृद्धि मूल्य वृद्धि का क्या हो सकता है, एक कारण हो सकता है। सरकार के बिन योजनाकारी खर्च से चीज वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन में या पूर्ति में वृद्धि नहीं होती, परंतु वेतन वृद्धि में, बोनस भत्तों में होने वाली वृद्धि से प्रजा के हाथ में मुद्रा की पूर्ति बढ़े, उत्पादन के साधनों भी बदलने के रूप में आय में वृद्धि होने से आपूर्ति समान वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति बढ़े और कुल मांग बढ़े, सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि न होने के कारण भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं क्या होते हैं, भाव में वृद्धि होने लगती है। तो ये तो हमने देखा था वित्तीय आपूर्ति के आधार पर। आगे हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के आधार पर। तो जनसंख्या वृद्धि के आधार पर क्या होता है, बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज दर घटाकर बैंकों को नकद आरक्षित मुद्रा वृद्धि करके बैंक सरल शर्तों में अगर कम ब्याज की दर पर सस्ते कर्ज लोन के स्वरूप में प्रजा के हाथ में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करती है, तो चीज वस्तुओं की मांग पर दाव लगाकर मूल्यों में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। यानी कि बैंक के द्वारा भी हो सकता है, सरकार के द्वारा, बिन योजनाकारी के द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर जनसंख्या की वृद्धि होगी तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, मूल्य की वृद्धि होगी। वो कैसे, तो भारत में औसतन 1.9% की दर में जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है। अगर भारत की हम बात करें तो कितने 1.9% की दर से क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है। भारत में सन 2011 में कुल जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ दर्ज हुई थी। देश के कुल जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि जीव वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि करके मांग आपूर्ति की स्थिति में असंतुलन बढ़ता है, वस्तुओं की कमी उत्पन्न होते ही मूल्य वृद्धि होने लग जाती। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो चीज वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, अगर चीज वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो वही ना वही क्या होगा, वो अगर वस्तुएं नहीं होगी, अगर मार्केट में वस्तुएं नहीं होगी तो क्या होगा, उस कंडीशन में भी क्या होगा, एक असंतुलन इनबैलेंस बनेगा, और वहां पर क्या होगी, उन वस्तुओं की क्या होगी, जो मूल्य वृद्धि है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है निर्यात में वृद्धि। देखो आयात और निर्यात क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं, आयात जो होता है जो किसी देश के द्वारा लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आयात, यानी किसी को दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, निर्यात। तो निर्यात में वृद्धि, विदेशी बाजार में देश की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से, देखो बेटा विदेशी बाजार वाले क्या करें, हमारे देश की यानी कि हमारे भारत देश की वस्तुओं की मांग में अगर वृद्धि होगी तो सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन कदमों के कारण निर्यात की चीज वस्तुओं को स्थानीय व आंतरिक बाजार में उपलब्धता घटती है, कमी होती, मांग के सामने आपूर्ति कम होने से मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर हम बाहर यानी कि विदेशों के अंदर अगर हमारा जो माल सामान है वो पहुंचाया जाएगा तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास अगर उस चीज की उपलब्धता नहीं होगी तो वही क्या होगा, उसकी क्या हो जाएगी, मूल्य की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कच्चे माल की ऊंची कीमत पर प्राप्ति। अगर हमें मार्केट के अंदर कोई भी जैसे कुछ भी अगर बनाना है तो उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ता है, कच्चा माल लाना पड़ता है। अगर कच्चे माल की भी अगर बहुत ज्यादा रेट होगी तो जब बनकर तैयार होगा कोई भी चीज वस्तु तो उसका मूल्य में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कच्चे माल की कमी हो, उसके मूल्य बढ़े, उससे वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ता है। आप लोगों को पता है अगर कच्चा माल ही महंगा लेके आएंगे तो चीज वस्तु जो बनाई जाएगी उसका भी खर्च क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अंत में वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ उत्पादित वस्तुओं की ग्राहक, मजदूरी, प्रजा यानी कि जो वस्तु बनाई गई है उसके लिए भी जो भी मतलब जो भी ग्राहक लगे होंगे, जो मजदूर लगे होंगे उनकी भी तो मतलब उनका भी तो खर्च होगा। वे क्रय शक्ति घटने पर वेतन वृद्धि की मांग करते हैं, जिसे संतुष्ट करने पर फिर से चीज वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ने से फिर से मूल्य की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि एक विषय चक्र चलता रहता है।
तो हमने यहाँ पर क्या देखा, अलग अलग तरीके से क्या होती है, मूल्य की वृद्धि होती है, कभी जनसंख्या की वजह से हो रहा था, कभी निर्यात की वजह से, कच्चे माल की ऊंची कीमत से, और वित्त आपूर्ति की वजह से। नेक्स्ट जो है हमारा वो है काला धन। घेर दर्ज मुद्रा का चलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काला धन की वजह से भी क्या होता है, मुद्रा जो होती है यानी कि मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। सरकार को चुकाने पात्र कर में से बचने के लिए कुछ आर्थिक व्यवहार का हिसाब खाते में दर्ज नहीं किया जाता। देखो क्या बोला बेटा, कर की बात की, यानी कि टैक्स की बात यहाँ पर की गई। किसकी बात की गई, टैक्स की, कि सरकार को चुकाने वाले पात्र में कर यानी कि टैक्स में से बचने के लिए कुछ आर्थिक व्यवहार के हिसाब खाते में दर्ज नहीं किए जाते। तो कुछ लोग अपनी उच्च आय व अतिरिक्त आय को छुपाते हैं। आपको पता ही है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जो इनकम होती है उसको क्या करते हैं, छुपाने का जो कार्य करते हैं। इस तरह हिसाबी खाते में दर्ज नहीं हुआ और जिस पर कर यानी कि टैक्स नहीं चुकाया गया, ऐसे गैर हिसाबी आय को काला धन कहा जाता है। तो आपको समझ में आया, अगर मान लीजिए अगर किसी के पास बहुत ज्यादा आय है और एक आपको पता है ना कि हमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, टैक्स चुकाना पड़ता है। अगर वो टैक्स नहीं चुकाता है, ठीक है, टैक्स नहीं चुकाता है, उसका हिसाब अगर क्लियर नहीं करता है, तो इस प्रकार से जो किया जाता है गैर हिसाबी आय को हम क्या कहते हैं, काला धन कहते हैं। यह काला धन रखने वाले लोग आयकर यानी कि सर्विस टैक्स के अधीन पकड़े जाने के डर से वित्त का संग्रह करने के बदले जल्दी से जल्दी खर्च कर देने की भावना रखते हैं। देखो बेटा, जो पैसा उन्होंने सेव करके रखा है वो क्या करते हैं, उनको पता है कि कभी भी क्या हो सकती, रेट पड़ सकती, कभी भी क्या हो सकता है, सर्विस टैक्स वाले यानी कि आयकर विभाग वाले आ सकते, तो वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी उसको क्या करते हैं, खर्च करने की भावना रखते हैं। तो अनावश्यक वस्तुओं को क्या करते हैं, मार्केट में क्या करने लग जाते हैं, खरीदने लग जाते हैं। तो ऐसा करने पर भी क्या होता है, ये सभी प्रकार का काला धन मूल्य वृद्धि का एक पोषक रहा है। मतलब ये सभी वजह से भी क्या होता है, मार्केट के अंदर जो वस्तुएं होती उनकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती। तो ये भी एक प्रमुख कारण है मूल्य वृद्धि का। नेक्स्ट है सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या होता है, चीज वस्तुओं यानी कि जो सामान होता है उनकी क्या होती है, मूल्य वृद्धि होती। सरकार समय समय पर प्रशासनिक आदेश देकर पेट्रोलियम के उत्पाद, आपको पता है ना आए दिन हम देखते हैं पेट्रोलियम का दाम कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, ज्यादातर तो मोस्ट ऑफली क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। रासायनिक खाद खेतों में यूज कर जाते हैं, चीज वस्तु कृषि फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर पूरक कमी द्वारा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती जाती, इस कारण मूल्य वृद्धि होती। इस प्रकार सरकार की मूल्य वृद्धि को भी जन्म देती, यानी कि जो आवश्यक वस्तु है उनमें भी क्या होता है, सरकार के द्वारा कभी कभी क्या किया जाता है, उनकी रेट बढ़ा दी जाती। तो ये भी एक प्रमुख कारण है मूल्य वृद्धि का। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक कारण। बहुत बार प्राकृतिक कारण भी मूल्य वृद्धि का कारण रहता है। अगर आपको पता है जैसे कि अभी गेहूं की बात करते हैं ना, गेहूं बाजरा जो हमारा अनाज है, अगर वर्षा ना हुई या वर्षा हो गई, बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा हो गई, तो क्या होगा, भारी मात्रा में क्या होगा, कृषि को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, कृषि को नुकसान पहुंचेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सही ढंग से क्या होता, उत्पादन नहीं प्राप्त हुआ। तो यस, तो हम क्या देख रहे थे बेटा, प्राकृतिक कारण। अगर मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जैसे कि मान लीजिए गेहूं की फसल का उत्पादन हो रहा है और किसी कारणवश क्या होता है, बहुत तेज क्या हो गई, बारिश आ गई, यानी कि बाढ़ जैसी कंडीशन आई, तो क्या होती है, फसलें क्या होती है, उसके अंदर बिल्कुल धुल जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट के अंदर गेहूं के क्या हो जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है, प्राकृतिक कारण। अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज्यादा वर्षा होना, भूकंप, ये भी एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, महामारी जैसे अभी कोरोना चल रहा है, जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण युद्ध, तूफान, आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक अशांति के कारण, तालाबंदी जैसे अन्य मानवीय परिबलों के कारण क्या होता है, उत्पादन घट जाने की वजह से। उत्पादन मतलब जो भी मार्केट के अंदर हम जो भी वस्तु है या चीज वस्तु है जो हमें आवश्यक है, उनका उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसकी आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। आपूर्ति घटने के साथ मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने से चीज वस्तुओं की मांग पर क्या होता है बेटा, दबाव से मूल्य स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये भी एक कारण रहता है। जैसे अभी मैं कोई उदाहरण दे, तो कोरोना के समय में क्या हो रहा था, सब्जियों के नहीं हो गए थे, दाम बढ़ गए थे, है ना, जैसे आलू प्याज की बात करें तो उनके भी क्या हो गए थे, दाम काफी क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। तो ये एक प्राकृतिक कारण की वजह से भी क्या होता है, मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कर चोरी।
संग्रहखोरी, कालाबाजारी। बहुत इंपॉर्टेंट है कालाबाजारी क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, कई बार आयात कर के ऊंची कर, कर का मतलब यहाँ पे बेटा टैक्स की बात की जा रही है, कई बार क्या होता है आयात टैक्स की ऊंची दर के कारण तथा कुछ वस्तुओं के आयात प्रतिबंध या निर्यात प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब यहाँ पर बैंड लगाने के कारण चोरी के विचार, चोरी छिप कर कर नहीं कर यानी कि टैक्स नहीं भरकर विदेशी सामान देश में लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दान चोरी यानी कि कर चोरी कहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपको पता है कि अगर हमें एक देश से दूसरे देश तक अगर कोई सामान ले जाना है, लाना है यानी कि आयात करना है या निर्यात करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, टैक्स ना भरना पड़े इसलिए क्या करते हैं, चोरी छिपे ये कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कर चोरी कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को कर चोरी किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संग्रहखोरी किसे कहते हैं। भविष्य में मूल्य बढ़ेगा ऐसी अटकलें या अफवाहें आगाही के कारण भविष्य में मूल्य वृद्धि का लाभ उठा सके, उसके सामने रक्षण प्राप्त कर सके, जिससे समाज के सभी वर्ग, व्यापारी, उत्पादक, ग्राहक वस्तुओं का जत्था यानी कि कम अधिक मात्रा में क्या कर देते हैं, संग्रहखोरी कर देते हैं। कहने का अर्थ ये है बेटा कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम या फिर जो जो मतलब जो उत्पादक होते हैं या जो व्यापारी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही पता है कि इसके दाम क्या हो सकते, भविष्य में क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो वो पहले से ही उस चीज को क्या करते हैं, खरीद कर अपने पास क्या करते हैं, खट्टा करके रखते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, संग्रहखोरी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कालाबाजारी। कालाबाजारी क्या होता है अगर इसके बारे में समझे, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की आपूर्ति दाब बढ़ता है, कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है, बाजार में बहुत से ऊंचे मूल्य वसूल करके लाभ की मात्रा बढ़ाकर प्रजा को अनुचित लाभ उठाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नफाखोरी कहते हैं। नफाखोरी मतलब बेटा मुनाफा लेना, मतलब इस तरह से वसूली करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करना, उनके भाव बढ़ाकर उनसे क्या करना, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना, उसे हम क्या कहते हैं, नफाखोर। इस प्रकार संग्रहखोरी, कालाबाजारी, कालाबाजारी को ही हम नफाखोरी भी कह सकते हैं, फायदा उठाना। यस, इस प्रकार संग्रहखोरी, कालाबाजारी, नफाखोरी जैसे अनेक असामाजिक प्रवृत्ति बाजार में चीज वस्तुओं की कमी क्या कर सकता है बेटा, उत्पन्न कर सकता है, जो मूल्य वृद्धि के कारण क्या होते हैं, जिम्मेदार होते। तो ये सारे हमने जो पढ़े थे ये मूल्य वृद्धि के क्या थे, कारण थे। अब मूल्यों को नियंत्रण किस लिए, यानी कि मूल्य को नियंत्रण क्यों करना आवश्यक है, तो सतत मूल्य वृद्धि को अर्थतंत्र पर, समाज के लोगों के जनजीवन पर व्यापक दूरगामी और विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इन प्रभावों से बचने के लिए मूल्य का नियंत्रण की क्या होती है, आवश्यकता उत्पन्न होती है। मूल्य वृद्धि में होने वाले प्रभाव कुछ इस प्रकार से हैं। तो क्या क्या है इनके मूल्य वृद्धि के प्रभाव, अगर हम बात करते तो मूल्य वृद्धि से लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि, चीज वस्तु व सेवाओं की मांग में भी वृद्धि, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का विशेष चक्र चलता है, गरीब और मध्यम वर्ग के जीना दुष्कर बन जाता है, मूल्य वृद्धि से बचत व पूंजी सृजन की दर में कमी होती है, आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन घटते हैं, इसी प्रकार से विदेशी पूंजी निवेश भी घटता है, आयाती वस्तु में वृद्धि होने से आंतरिक बचत खर्च भी होता है, आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन घटता है, कमी उत्पन्न होती है, लोगों को जीवन स्तर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, घिरने लग जाता है। देश में आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन खर्च करने से महंगाई बढ़ती है, जिससे देश की निर्यात वस्तुओं का मूल्य बढ़ने से अनुपात व आयनिक वस्तु बाजार में सस्ती होने से देश के निर्यात में कमी होना, आयात बढ़ना में मुद्रा का संतुलन बिगड़ जाता, आयात निर्यात में असंतुलन उत्पन्न होता है, मूल्य बढ़ने से गरीबी, मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में क्या होती है, गिरावट आती है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, लूटमार करते हैं, हत्या करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति करते हैं, सट्टाखोरी करते हैं, संग्रहखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, आत्महत्या जैसी अनेक प्रवृत्तियां समाज में क्या होती है, बढ़ती जाती। तो ये बहुत सारे जो कारण है ये सारे के सारे क्या है, मूल्य नियंत्रण को लेकर बताए गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर ग्राहक के बारे में कि ग्राहक मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अब हम किस प्रकार से मूल्य वृद्धि को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं मूल्य नियंत्रण सरकार के द्वारा। सबसे पहला है वित्तीय कदम। वित्तीय कदम यानी कि सरकार के द्वारा किस प्रकार से वित्तीय यानी कि वित्तीय कोष बनाया जाता है, उसके द्वारा अलग अलग तरीके के क्या किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। इसके अंदर क्या जाता है, इन वस्तुओं की मांग को घटने से क्रमशः मूल्य घटते रहते हैं। बैंक के द्वारा ऋण नीति ब्याज दर ऊंची की जाती है, जिससे लोन व ऋण मांगने की आवश्यकता क्या होती है, पूंजी निवेश कम होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा मूल्य नीति के अंदर मूल्य वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए, वो है राजकोषीय कदम।
राजकोषीय कदम यानी कि राज्य के द्वारा क्या कहते हैं अलग अलग क्या की जाती है, क्या जाता है राजकोषीय नीति अर्थात सरकार की सार्वजनिक आय व्यय नीति, कर और सार्वजनिक ऋण नीति है। सरकार जितना संभव होता है वहां अपने खर्च में कमी करके देश के कुल खर्च में क्या कर सकता है बेटा, कमी कर सकता है। तो राजकोषीय नीति के द्वारा भी क्या किया जाता है, इन मूल्य वृद्धि को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जो टैक्स है, विभिन्न प्रकार के जो सार्वजनिक ऋण है, उन सबको क्या उनकी मात्रा क्या कर सकते हैं, घटाकर इस प्रकार से राजकोषीय कदम भी क्या कर सकते हैं, उठाए जा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा पूंजी निवेश अंकुश, यानी कि जो पूंजी पर जैसे कि अनावश्यक मोह शोक की वस्तुओं के पीछे जो पूंजी निवेश किया जाए घटे, इसके लिए लाइसेंस का परवाना पद्धति लागू कर सकते हैं। उत्पादक स्वरूप की कृषि उत्पादन व औद्योगिक उत्पादन बढ़े, ऐसे पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। सट्टा के पूंजी निवेश घटे, आवश्यक वस्तु का उत्पादन बढ़े, उत्पादन शक्ति बढ़े, ऐसे प्रोत्साहन कदम उठाकर क्या किया जा सकता है, पूंजी निवेश पर क्या लगाया जा सकता है, अंकुश लगाया जा सकता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के कर के माध्यम से क्या किया जा सकता है, मूल्य वृद्धि को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। मूल्य नियंत्रण व मात्र नियंत्रण यानी कि मूल्य का नियंत्रण किया जाए, उसकी मात्रा को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जाए। सार्वजनिक वितरण तथा व्यवस्था द्वारा मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखने के लिए व्यूह रचना का एक कदम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यानी कि PDS जो भारत में 1977 से लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य समाज के निम्न आयु समूह को गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले यानी कि BPL और BPL रेखा के नीचे जो गरीब रेखा के निजी जीवन यानी इनकी BPL परिवार के, इन लिए क्या किया जाए, इनके लिए क्या किया जाता है, मूल्य का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। मतलब बहुत सारी जो वस्तुएं होती है उन पे क्या किया जाता है, उनकी मात्राओं पे क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। इसी प्रकार से मूल्य को नियंत्रण करने के लिए एक और उपाय किया जाता है, मूल्य का निर्धारण तंत्र यानी कि सभी का क्या किया जाता है, कुछ निर्धारित किया जाता है। जैसे संग्रहखोरी सट्टाखोरी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को उचित स्तर पर टिकाए रखने के लिए वह बाजार में आसानी से मिलती रहे, इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं में मूल्य का निर्धारण का कार्य करती। व्यापारियों में इसी निर्धारित मूल्य पर बाजार में वस्तु बेचने का क्या किया जाता है, आग्रह किया जाता है। सरकार मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं को धारा 1955 में अमल में लाई है, जो कि व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर अपना माल सामान नहीं बेचते हैं, उनके विरुद्ध इस धारा के आधार पर कार्यवाही तथा उसे दंड भी दिया जाता है। संग्रहखोरी कालाबाजारी सट्टाखोरी के विरुद्ध अभियान स्वरूप प्रिवेंस ऑफ इंटरसोशियल एक्टिविटीज एक्ट PASA के अधीन आवश्यकता पड़े तो कानूनी रूप से क्या किया जाता है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है। तो ऐसे अनेक सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अनेक क्या किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं। तो यहाँ पर आज इस चैप्टर के माध्यम से हमने अलग अलग पढ़ा था कि मूल्य वृद्धि क्या होता है, क्या कारण होता है, किस प्रकार से ये नियंत्रित किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जागो ग्राहक। थैंक यू।